स्वागत है आपका। और बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले में अब एक्शन में पंजाब सरकार नजर आई है। और भगवंत मान सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 डीएसपी सहित 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप है। और इस पूरे मामले में 2 डीएसपी के साथ साथ आपको बता दूं कि 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। तो एक्शन में आपको बता दें कि भगवंत मान सरकार नजर आ रही है। जिस तरीके से आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरव्यू दिया, अब इस पूरे मामले को लेकर एक्शन में पंजाब सरकार जो है वो नजर आ रही है। तो लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले में 2 साल बाद आपको बता दें कि पंजाब सरकार की तरफ से एक्शन जो है वो लिया गया है। और इस मामले में आपको बता दें कि 2 डीएसपी और 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहते हुए इंटरव्यू दिया, और ऐसे में बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है पंजाब सरकार की तरफ से। कुलवीर दीवान हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। कुलवीर, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, क्योंकि 2 इंटरव्यू जो है लॉरेंस बिश्नोई के प्रसारित हुए थे और एक के बाद एक, और जिसके बाद हड़कंप मच गया था पूरे, ना केवल पुलिस महकमे में बल्कि पूरे प्रदेश में एक हड़कंप मच गया था। और उस वक्त हालांकि पंजाब सरकार ने ये दावा किया था पंजाब के डीजीपी के पंजाब की जेल से इस तरह का इंटरव्यू जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन बाद में हाई कोर्ट द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें जांच में ये पता चला कि सीआईए खरड़, जो कि मोहाली के पास है, वहां से पहला इंटरव्यू जो है वो हुआ था लॉरेंस बिश्नोई का। तो इसमें एक एसआईटी जो है वो गठित की गई थी। और ये मामला क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी इसकी सुनवाई चल रही है, लिहाजा पिछली सुनवाई पर भी हाई कोर्ट ने सख्त रुख दिखाते हुए पंजाब सरकार से ये पूछा था कि कार्रवाई जो है वो क्यों नहीं की जा रही, और कार्रवाई की गई है तो वो बताइए। तो अब जाकर कहीं पंजाब सरकार ने एक्शन जो है वो लिया है, और इसमें 7 पुलिस कर्मी, जिनमें 2 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल और एक एएसआई शामिल हैं, जिन पर ये कार्रवाई की गई है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जी, और जिस तरीके से ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया था कुलवीर, जैसा कि आपने खुद भी बताया कि पहले तो पंजाब सरकार डिनायल मोड में रही, उसके बाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और कड़ी फटकार सरकार को भी लगाई, और उसके बाद अब लगभग 1.5 साल बाद ये एक्शन जो है होता हुआ नजर आया है सरकार की तरफ से। देखिए बिल्कुल, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में यदि इस तरह का इंटरव्यू कोई होता है तो निश्चित तौर पर एक तो पुलिस की जो छवि है उसको उसको भी नुकसान पहुंचता है, और दूसरा कानून व्यवस्था पर, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, और वो भी लॉरेंस बिश्नोई जैसे किसी बड़े गैंगस्टर का इस तरह से इंटरव्यू जो है पुलिस कस्टडी में यदि देना है देता है तो निश्चित तौर पर ये समझा जाता है कि कितना प्रभाव जो है वो उसका रहा होगा। तो इससे आम लोग जो है वो कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करते हैं, और ये संदेश जो है वो ज्यादा व्यापक ना जाए, इसीलिए हाई कोर्ट इतना सख्त जो है इस मामले में नजर आ रहा है, जिसने इस बारे में सरकार को ये भी कहा कि कार्रवाई कीजिए और उसके बाद रिपोर्ट भी मांगी, और आखिर सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी और 7 पुलिस कर्मचारियों को और अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा। ये सस्पेंड तो किया गया, ये ठीक है, लेकिन क्या इनसे पूछताछ अब इस पूरे मामले को लेकर की जाएगी? और वो जो नेक्सस है जिसके जरिए लॉरेंस बिश्नोई पर बार बार ये आरोप लगता है कि वो जेल में बैठे ही पूरे गैंग को चला रहा है, और उसमें फिर इन तमाम ऐसे पुलिस कर्मियों की भागीदारी जो है वो साफ तौर पर नजर आती है कि जो इंटरव्यू की परमिशन दे सकते हैं, फोन मुहैया करा सकते हैं, इंटरनेट मुहैया करा सकते हैं, इन्हीं लोगों के जरिए तो वो इतना बड़ा गैंग जो है वो बनाने में जेल से ही सफल हुआ और ऑपरेट इस वक्त कर रहा है। तो क्या आगे भी इन सभी सस्पेंडेड पुलिस कर्मियों से पूछताछ जो है वो की जा सकती है? कुलवीर, देखिए, एक संगीन मामला है, गंभीर मामला है, और जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर भी इस तरह के तमाम अपने कारनामे जो है वो उनको अंजाम दे रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जेल में या फिर पुलिस विभाग में इस तरह की काली भेड़े रही हैं जो उसका नेटवर्क चलाने में उसको सहायता करती हैं। जिस तरह का मामला जो है वो पंजाब से ये सामने आया है कि यहाँ पर भी 7 पुलिस कर्मचारी जिनको सस्पेंड किया गया है वो शामिल रहे हैं उसके इंटरव्यू करवाने में, तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि जब तक इस तरह के जो जो ऑफिसर हैं, चाहे वो जिम्मेवार पुलिस ऑफिसर हैं या फिर पुलिस कर्मचारी हैं,
जब तक उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो आगे के लिए भी संदेश एक कड़ा नहीं दिया जा सकता। जी बहुत शुक्रिया आपका कुलवीर, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी कार्रवाई